हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, कल जो है आपका रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का जेआरएफ हुआ, बहुत सारे बच्चे का यूजीसी नेट भी हुआ क्लियर, और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे जिसकी पीएचडी क्वालिफिकेशन भी है ना जी। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया जेआरएफ वाले को तो फेलोशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिए हैं और पीएचडी के लिए भी क्वालिफिकेशन हो चुका है, तो भाई साहब इनको फेलोशिप कैसे मिलेगी? क्या रीजन है कि किस वजह से इनको पैसे मिलेगी, किसको फेलोशिप मिलेगा है ना, पैसा कब तक आएगा? ये बहुत सारे सवाल जो है अलग अलग फेलोशिप के लिए हमारे पास पूछे जाते हैं है ना। लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था मैंने, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एनएफओपीसी क्या है। तो वैसे ही सारे जो फेलोशिप्स हैं उसका कुछ प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तहत वो फेलोशिप आपको मिलती है। आज की बात हम जो करने वाले हैं वो उन्हीं फेलोशिप के प्रोसेस की बात करने वाले हैं, किस प्रोसेस के तहत मिलेगा उसकी बात करने वाले हैं, और किसको किसको फेलोशिप मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने नंबर आ जाने पर मिलेंगे। देखो जो आपकी वेबसाइट में लिखा गया है आज हम उसकी सारी बात करने वाले हैं। शुरू करें? जी सर, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात कर दूं, क्या ये फेलोशिप जनरल कैटेगरी वालों को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी, अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्या है एनएफओबीसी? एक पहली फेलोशिप जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको दी जाती है ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। दूसरी फेलोशिप एनएफएससी, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए जो आपको फेलोशिप दी जाती है वो है, और एसटी एनएफएसटी ये तीसरी फेलोशिप है जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को दिया जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, पूरी वही अमाउंट जो आपको जेआरएफ में मिलती है वही अमाउंट यहां भी दिया जाता है। इस पर हमने डिटेल में चर्चा भी कर रखा है। अब बताइए सर कि मिलेगा किसको और कैसे मिलेगा? क्या इसके लिए हमको कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या इसके लिए हमको कहीं अप्लाई करना पड़ेगा? देखिए, दो ऐसे फेलोशिप है जिसमें तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक में अप्लाई करना पड़ता है। हम शुरू से बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं एनएफ ओबीसी की। अगर हम एनएफ ओबीसी की बात करें तो यहां मेंशन किया गया है कहां, आपकी वेबसाइट में, कि हर ईयर आपका क्या होगा, 1000 बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। 1000 बच्चों में से 750 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले लोग होंगे, और जो 250 बच्चे होंगे वो साइंस वाले होंगे, ठीक है। अब इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे का सवाल करते हैं कि सर सिलेक्शन होता कैसे, मेरा जेआरएफ से बस एक ही क्वेश्चन रह गया मेरा हो जाएगा क्या, मेरा जेआरएफ से चार क्वेश्चन रह गया मेरा हो जाएगा क्या, मेरा जेआरएफ से एकदम 0.05% कम रहा है सर मेरा होगा क्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एनएफओबीसी, यानी कि, और ये कौन देती है सर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना। तो इनके अनुसार एनएफओबीसी उन्हीं बच्चों को मिलता है जो सबसे पहले यूजीसी नेट हाईएस्ट मार्क से क्वालिफाई करते हैं, प्लस जिन्होंने पीएचडी में एनरोलमेंट कर रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर इस बार का यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया है और आपने पहले से ही पीएचडी कर रखा है, मान लो एक साल हो गया आपके पीएचडी करते हुए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मतलब आपके रिजल्ट निकलने से पहले अगर आपने पीएचडी कर रखा है और आपका इस बार नेट हुआ और बहुत अच्छे मार्क्स से नेट हुआ, यानी कि जेआरएफ बहुत कम से रह गया, तो आपके फेलोशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या फेलोशिप पीएचडी करने वालों को ही मिलेगा? नहीं, ऐसा मेंशन एनएफओबीसी में तो नहीं है। उसमें कहा गया है कि भैया हम 1000 को देंगे 750 और 250, लेकिन प्रेफरेंस पीएचडी को दिया जाता है जो पीएचडी कर रहे होते हैं। अब मान लो ऐसा 1000 में से 600 लोग ही हुए जो सिर्फ पीएचडी करने वाले थे और उनका अच्छा मार्क्स आया। अब 150 लोग ऐसे भी हैं जिनका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, यूजीसी नेट हुआ और अच्छे मार्क्स से हुआ, मतलब जेआरएफ बहुत कम से रह गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका फेलोशिप पीएचडी नहीं भी कर रहे हैं, वो
फिर भी अप्रूव हुआ है, लेकिन पहला प्रायोरिटी जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है। ये बात तय है, ये बात तय है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके लिए, सर एनएफओबीसी के लिए। अब दूसरी एक फेलोशिप है शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चों के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चों के लिए क्या रूल है, तो यहां पे क्लियर मेंशन है कि 2000 बच्चों को फेलोशिप दिया जाएगा। सर 1500 बच्चे जो होंगे वो आपके होंगे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के, लेकिन जो 500 बच्चे होंगे वो होंगे किसके, सर साइंस वाले, ठीक है, सीएसआईआर नेट वाले। अब इनमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहां एनएफएससी के वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी वालों का प्रेफरेंस दिया जाएगा। इट मींस कि रिजल्ट से पहले जिन्होंने भी नेट का फॉर्म भरने वक्त में पीएचडी के लिए एनएफओबीसी के लिए यस किया था और पीएचडी पहले से कर रहे हैं तो एनएफएससी उसको पहला प्रेफरेंस देगी। मतलब क्या हुआ सर, अभी आपने यूसीनेट क्वालिफाई किया और आप 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले पीएचडी कर रहे हैं तो आपको फेलोशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब तीसरा सर, तीसरा क्या है, तीसरा है एनएफएसटी। तीसरा कौन सा है जी, तीसरा है एनएफएसटी सर शेड्यूल ट्राइब। इसकी फेलोशिप जो है अपने से नहीं आती है, ये दोनों जो एनएफओबीसी और एनएफएससी, ये फेलोशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। एनटीए जो है वो रिजल्ट भेज देता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, वहां से फिर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है, जो हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाते हैं यूसीनेट में, उसका सिलेक्शन प्लस पीएचडी जो कर रहे होते हैं उसका सिलेक्शन वो डिसाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और आपका लिस्ट आता है सर, लिस्ट कब आता है, लिस्ट जब भी यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है उसके 2 से 3 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, लिस्ट आ जाती है किसकी, एनएफओबीसी और एनएफएससी की, ये दोनों के रिजल्ट और लिस्ट भी आ जाता है और उसके कुछ दिनों बाद अवार्ड लेटर भी आ जाता है उसका, ठीक है। तो सर ये कैसे जानकारी मिलेगी, इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रख लीजिए, नेट वाला भैया सर्च करिएगा टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिएगा तो वहां पे अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ये हो गई एनएफएससी और एनएफओबीसी। अब आते हैं एनएफएसटी की, एनएफएसटी की भी अपडेट आती रहती है, एनएफएसटी का भी अपडेट 2-3 महीने में आ जाता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, अप्लाई करने के बाद सेम फेलोशिप आपको मिलती है। तो ये हो गया प्रोसेस, और अगर डिटेल में प्रोसेस जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक में दे दूंगा आप उसको देख लीजिएगा, मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। अब ये बात आती है कि सर फेलोशिप कैसे मिलेगा, ये हो गया, किसको मिलेगा ये भी मैंने बता दिया, किसको मिलेगा, यूजीसी नेट प्लस पीएचडी जो पास में कर रहे हैं वो दोनों को पहला प्रेफरेंस। बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, ठीक है, बाद में और भी लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन अगर पहले पीएचडी वाले ही कंप्लीट हो गए तो फिर फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। कभी भी ये क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपने मान लो 99.73% आपका आ गया है और एक का 99.1% आया है और वो पीएचडी भी कर रहा है तो पहले उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ना कि आपको। आप कहोगे यार मेरा तो नेट में ज्यादा आया था, उसका तो कम ही आया था, कैसे हो गया उसका, वो भाई साहब पीएचडी में एनरोल था, ठीक है। तो इसीलिए एक सजेशन और है मेरा आप सबसे, क्या कि अगर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया आपने और आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हुए हैं अभी इस बार वाले रिजल्ट में या फिर यूजीसी नेट भी किए हैं तो आप जल्दी से जाके पीएचडी में एनरोल हो जाइए, क्योंकि अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है तो ये 3 फेलोशिप आपका हेल्प बहुत ज्यादा कर देती है, ठीक है जी। ये हो गया बात। अब सवाल आता है कि सर ठीक है एनएफओबीसी में मेरा लिस्ट भी आ गया, नाम आ गया, हम अप्लाई भी कर दिए, अप्लाई करने के बाद सर सुनते हैं ऐसा ना इसमें फेलोशिप डिले होता है। जी बिल्कुल डिले होता है। क्या होता है एनएफओबीसी और एनएफएससी में फेलोशिप का अप्रूवल लेने में कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं तो वो बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। आप थोड़ी सी भी गलती करोगे फॉर्म फिलअप करने के टाइम में, यानी कि लिस्ट आने के बाद, अवार्ड लेटर आने के बाद, जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद वो जब फेलोशिप यूजीसी के पास जाती है, यूजीसी से जब अप्रूवल मिलना होता है तो उस समय आप कोई गलती ना करें। क्या गलती ना करें, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप उसको देखिएगा, मैं डाल दूंगा उसको। तो वो अप्रूवल मिलने के बाद तब आपकी फेलोशिप अपनी एक जनरेट होता है कोड, बेनिफिशियरी कोड बनने के बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जब कंटिन्यूएशन डालते हैं तो आपको फेलोशिप के लिए जनरेट होना शुरू हो जाता है, आपका एक पोर्टल बन जाता है। लेकिन वो जनरेट होने के बाद भी कभी कभी 6-6 महीने तक फेलोशिप नहीं आती है, और ये बात फैक्ट है। तो एनएफओबीसी का और एनएफएससी का रूल क्या है
कि हर 3 महीने में वो फेलोशिप को अपडेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से 3 महीने में पैसा आता है और फिर वो क्या करता है, वो जैसे ही पैसा आता है फिर वो 2-4 दिन के अंदर आपके अकाउंट में मिल जाता है। तो इसीलिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि क्या हर महीने फेलोशिप नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनएफओबीसी और एनएफएससी हर 3 महीने में फेलोशिप आपको प्रोवाइड करती है। तो पैसा मिलेगा ये श्योर है, अगर आपका अवार्ड लेटर में नाम है, अगर आपका लिस्ट में नाम है, आपने अप्रूवल करा लिया है, अप्रूवल कराने के बाद आपको पैसा मिलेगा ये तय है। बट पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और फिर आपके अकाउंट में एक बार में पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी कि सर कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा और सर कब तक पैसा आ जाता है। तो कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और भी अगर कोई सवाल है आपके, और भी अगर कोई डाउट है इससे लेकर, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9262 है ना 6359 20 में लिख दे रहा हूं, आइए मैं आपको लिख देता हूं। ये देखिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये देखिए, ये नंबर है ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप ये चैनल टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। इसको ज्वाइन करने पर वहां अपडेशन सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, है ना। और अगर चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है जी। जी, तो ये 3 फेलोशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। आप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप वेट करिए, पेशेंस रखिए और अच्छा होगा आपके साथ। प्लस JRF का एग्जाम की तैयारी भी करिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया मेरा अच्छा हो गया, चलो NFOBC हो गया, हम JRF छोड़ देते हैं। भाई ऐसा मत करना, ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि API स्कोर, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो नेट की जो आपका NFOBC मिलने के बाद आपको नेट की ही मार्क्स मिलेगी, JRF का नहीं। तो JRF अगर NFOBC या NFSC NFST हो भी जाता है, फिर भी आप JRF दीजिए और JRF अचीव करिए, क्योंकि API स्कोर बहुत मैटर करता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में, ठीक है जी। चलिए, तो आप इसके लिए इतना ही। अगर कोई और डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शाम के 6 बजे के बाद मैं आपको टाइम जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम की का सॉल्यूशन मिल जाए, है ना। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।